आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सुपर संडे रहा। सुपर इसलिए क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए और लोगों को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने लिखा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में चार राज्यों के चुनाव परिणामों में तीन राज्यों में बीजेपी की भारी बहुमत से हैट्रिक लगना मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। राजस्थान में बीजेपी की जीत को लेकर भी सीएम योगी ने पोस्ट लिखा। सीएम योगी ने लिखा, वीरभूमि राजस्थान में भारी मतों से विजय की समस्त कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं सम्मानित राजस्थान वासियों को अभिनंदन। यह ऐतिहासिक जीत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व, लोक कल्याणकारी विजन एवं नीतियों और समग्र विकास के संकल्प के प्रति राजस्थान के नागरिकों के अटूट विश्वास का प्रतीक है। आपड़ो अग्रणी राजस्थान की चाह रखने वाले सभी राजस्थान वासियों को पुनः शुभकामनाएं। वहीं मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने बंपर जीत दर्ज की, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की विराट विजय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व के प्रति अटूट जन विश्वास की मोहर है। डबल इंजन सरकार के सुशासन, सुरक्षा और विकास को समर्पित इस जीत की सभी प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ को लेकर सीएम योगी ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भाजपा की विजय की सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सेवा, सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय को समर्पित इस जीत के लिए छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक अभिनंदन। छत्तीसगढ़ महतारी की जीत। तो तीनों राज्यों में जीत के बाद सीएम योगी ने सभी को बधाई दी और ये तमाम ट्वीट्स किए। अब तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।